नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रियंका की रसोई में। तो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ, देखिए नाश्ते में प्याज और आटे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज ली है जिसको मैंने लंबे स्लाइस में बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम नमक ऐड नहीं करेंगे, आटा जब हम गूंदेंगे तो नमक हम उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर प्याज में हम नमक डालेंगे तो फिर इसमें से पानी छूटेगा, इस वजह से हम यहाँ पर नमक नहीं ऐड कर रहे हैं। जब आप आटा गूंदें तब आप आटे में ही थोड़ा सा नमक डालकर गूंद लें। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हम रोटी बेल लेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं वही रोटी हम यहाँ पर बेलेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने देखी एक रोटी तैयार कर ली है, उसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमने प्याज का मिश्रण बनाया है वो सब इसी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। और इसको हम थोड़ा सा पतला ही फैलाएंगे और एक रोटी हम इसके ऊपर अच्छे से रख करके चारों तरफ से इसको हाथों से ऐसे चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं। और उसके बाद हम चाकू से या कटर की मदद से इसे हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। तो ये रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको रोल कर लेंगे अच्छे तरीके से, हाथों की मदद से रोल करके इसको हम चपटा कर लेंगे। और चपटा करने के बाद इसको हम तेल में फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके का ये एकदम बन करके तैयार हो गया है। और यहाँ पर अब हम तेल चढ़ा देंगे। तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम रहे तभी हम इसको फ्राई करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर तेल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक करके सारे पीसेस इसमें डाल कर फ्राई कर लेंगे और दोनों साइड से इसको हम उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और स्लो फ्लेम पर ही इसको पकाइएगा ताकि ये अंदर भी अच्छे तरीके से पक जाए। और जैसे ही एक तरफ से ये पक जाएगा तो इसको हम उलट पलट देंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। तो ये रेसिपी आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, झटपट से बन करके ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रेसिपी हमारी बन करके तैयार है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।